दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि बार्डेड बेडकोट कोड वीव किस तरीके से बनाई जाती है और आप प्लेन फेस बार्डेड बेडकोट कोड वीव कैसे बनाएंगे और ट्विल फेस बार्डेड बेडकोट कोड वीव किस तरीके से बनाएंगे और किसी बार्डेड बेडकोट कोड को बनाने के क्या नियम होते हैं और किसी भी बेडकोट कोड वीव को बनाने का क्या मेथड होता है। तो गाइज, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो गाइज डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के माध्यम से दिख रहा है, आज के डिस्कशन का टॉपिक है बार्डेड बेडकोट कोड वीव कंस्ट्रक्शन मेथड, मतलब आप बार्डेड बेडकोट कोड वीव किस तरीके से बनाएंगे। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो बार्डेड बेडकोट कोड वीव होती है तो उसको बनाने का उद्देश्य क्या होता है, मतलब किसी भी बार्डेड बेडकोट कोड वीव को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो गाइज जो हमारी बार्डेड बेडकोट कोड वीव होती है तो उसको हम क्यों बनाते हैं, तो तीन रीजन है। पहला रीजन ये होता है बार्डेड एंड्स हेल्प टू प्रोड्यूस द फैब्रिक मोर इकोनॉमिकली, मतलब जब आप अपने बेडकोट कोड वीव के अंदर बार्डिंग एंड का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपका कपड़ा होता है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, वो सस्ता पड़ता है। उसका कारण ये होता है कि आप जो बार्डिंग एंड्स यूज करते हैं उनके अंदर जो धागे की क्वालिटी होती है वो सस्ती क्वालिटी की होती है, इसलिए आपका कपड़ा सस्ता पड़ता है। गाइस दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है वाडेड एंड्स इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर बार्म्स एंड वेट पर मीटर ऑफ द फैब्रिक। तो गाइस जब हम बेडकोट कोड वीव के अंदर वाडिंग एंड का प्रयोग करते हैं तो उससे पहली बात तो जो आपकी कपड़े की संरचना होती है उसकी स्थिरता बढ़ जाती है। दूसरा होता है जो आपका कपड़ा बार्म्स मतलब गर्माहट फील देता है और आपका जो कपड़े का वेट पर मीटर होता है वो भी बढ़ जाता है। गाइस तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है वाडेड एंड्स हेल्प टू इंक्रीज द प्रोमिनेंस ऑफ द कॉर्ड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कपड़े को मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, डेकोरेट करता है कपड़े को। तो गाइस क्या करते हैं कि जब हम बेडकोट कोड वीव के अंदर वाडिंग एंड का प्रयोग करते हैं तो जो वाडिंग एंड होते हैं वो ना तो आपको फेस साइड में दिखाई पड़ेगा ना वो आपको बैक साइड में दिखाई पड़ेगा, वो जहां आपका कॉर्ड होता है तो नीचे तो आपका बेल्ट फ्लोट करता है और ऊपर आपकी फेस बनती है, तो फेस और जो आपका नीचे बेल्ट फ्लोट कर रहा होता है उसके बीच में ये बार्डिंग एंड पड़े रहते हैं। और जो आप बार्डिंग एंड प्रयोग करते हैं तो कोर्स काउंट के करते हैं, तो कोर्स काउंट होने की वजह से जो आपकी कॉर्ड होती है वो ओवर के सामने आ जाती है, मतलब उसकी प्रोमिनेंस बढ़ जाती है। अब गाइस देखिए मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वाडेड बेडकोट कोड वीव, मतलब आप वाडेड बेडकोट कोड वीव को कैसे बनाएंगे, क्या क्या रूल होते हैं किसी भी वाडेड बेडकोट कोड वीव को बनाने के। तो बकाया रूल तो सेम होते हैं जो आपके सिंपल बेडकोट कोड में होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा अंतर ये होता है कि आप वाडिंग एंड का प्रयोग कर रहे हैं तो वाडिंग एंड को प्रयोग करने के लिए आपको अपने लूम के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है। तो गाइस जो पहला आपका रूल होता है सेपरेट हील शाफ्ट्स आर यूज्ड फॉर वाडिंग एंड्स, तो जब आप वाडिंग एंड का प्रयोग करते हैं तो वाडिंग एंड को अप और डाउन मूवमेंट देने के लिए आप अलग से हील शाफ्ट प्रयोग करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो डॉबी है उसके अंदर फिगरिंग कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि आप एक्स्ट्रा हील शाफ्ट अपने वाडिंग एंड को दे सकें। गाइस दूसरा नियम देखिए वाडिंग एंड्स आर लिफ्टेड ऑन द पिक्स व्हिच फ्लोट बिलो द कॉर्ड, जो आपके वाडिंग एंड होते हैं ये आपके उन पिक्स के ऊपर इनको अप पोजीशन में रखा जाता है जहां पे आपके पिक्स कॉर्ड के नीचे फ्लोट कर रहे होते हैं एंड लोअर्ड व्हिच इंटरवीन इन प्लेन फैशन, और जहां पे आपका कॉर्ड का फेस बन रहा होता है तो वहां पे आप इन वाडिंग एंड को डाउन पोजीशन में रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो वाडिंग एंड होता है वेफ्ट फ्लोट
और कॉर्ड के फेस के बीच में वो लाई करता रहता है, मतलब पड़ा रहता है, ना ऊपर दिखाई देगा आपको ना नीचे दिखाई देगा, और आपकी जो कॉर्ड होती है वो ओवर के सामने आ जाती है। गाइस नेक्स्ट रूल देखिए, ए सेपरेट बार बीम इज यूज्ड फॉर वार्डिंग एंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वार्डिंग एंड होते हैं वो आपके कपड़े में बिल्कुल स्ट्रेट पड़े रहते हैं, वो किसी भी पिक से इंटरलेस नहीं होते हैं। तो जब इंटरलेस नहीं होते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर क्रिम्प भी नहीं आता, तो क्रिम्प नहीं आता है तो उनको हम अलग बार बीम पर लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि जब आपका कपड़ा बनता है तो यदि हम अलग या सेपरेट बीम पर वार्डिंग एंड को नहीं लेंगे तो क्या होगा कि आपके जो वार्डिंग एंड होंगे वो लूज हो जाएंगे, क्योंकि उनमें कोई इंटरलेसमेंट नहीं है। और गैस आपको वार्डेड बेडफोर्ड कॉर्ड भी बनाने के लिए डॉबी की आवश्यकता होती है, आपकी लूम पे डॉबी सेटिंग होनी चाहिए। अब गैस मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ वार्डेड बेडफोर्ड कॉर्ड बीम के, तो गैस मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। पहला एग्जाम्पल है आपका प्लेन फेस वार्डेड बेडफोर्ड कॉर्ड बीम। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्लेन फेस वार्डेड बेडफोर्ड कॉर्ड बीम किस तरीके से बनाई जाएगी और कितने वार्डिंग एंड लेने हैं, उसका ड्राफ्ट कैसे बनेगा, उसका पैक प्लान कैसे बनेगा और उसका डेंटिंग ऑर्डर क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है प्लेन फेस वार्डेड बेडफोर्ड कॉर्ड बीम, मतलब जो आपकी बीम है प्लेन फेस बेडफोर्ड कॉर्ड बीम है और उसमें वार्डिंग एंड का प्रयोग किया गया है। तो गाइस देखिए यहाँ पे किस तरीके से अरेंजमेंट होगा, आप यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल क्लियरली पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पिक्स पर रिपीट 4 हैं और नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट 18 है, और ये जो सर्किल के अंदर आपका क्रॉस और सर्किल है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपका जो कटिंग एंड है तो कटिंग एंड अप हो रहा है यहाँ पे, और सिर्फ ये जो क्रॉस है ये आपका शो कर रहा है कि जहां पे आपके फेस एंड सारे के सारे अप हो जा रहे हैं, और ये जो आपका लाइन है तो लाइन से आपको पता ये लग रहा है कि यहाँ पे आपका बार्क के धागे हैं, फेस एंड के धागे हैं, वो प्लेन बीम बना रहे हैं, और आपका जो सिर्फ सर्कल से दिखाई दे रहा है ये आपका वार्डिंग एंड है। गाइस अब इसमें अरेंजमेंट देखिए आप, ये यहाँ पे इस बीम में मैंने 4 कटिंग एंड लिए हैं, तो देखिए कटिंग एंड कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 कटिंग एंड हो गए। इसके बाद में आप देखिए वार्डिंग एंड कितने लिए हुए हैं, तो यहाँ पे वार्डिंग एंड हमने W से इंडिकेट किया है, एक वार्डिंग एंड ये है और आपका एक वार्डिंग एंड ये है, तो आपके 2 वार्डिंग एंड हो गए। अब गैस जब हम इस बीम को बनाते हैं तो तरीका बिल्कुल सिंपल है, जैसा हम प्लेन फेस बेडफोर्ड कॉर्ड बीम को बनाते हैं तो वही तरीका है, बट इसमें वार्डिंग एंड डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जो आपका वार्डिंग एंड है कहाँ पे अप करना है, कहाँ पे डाउन करना है। तो गाइस देखिए ये आपके वार्डिंग एंड है, तो सबसे पहले आप वार्डिंग एंड देखिए, तो मैंने ऊपर बताया आपको कि जहां पे आपके वेफ्ट के धागे फ्लोट कर रहे होते हैं नीचे की तरफ, वहां पे आप वार्डिंग एंड को अप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपके सारे के सारे धागे बार्क के अप हैं, तो यहाँ पे वेफ्ट नीचे फ्लोट करेगा, तो वेफ्ट नीचे फ्लोट करेगा तो यहाँ पे आपको वार्डिंग एंड को अप रखना है। आपने वार्डिंग एंड यहाँ पे अप रख दिया और यहाँ पर भी रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर भी फ्लोट करेंगे वेफ्ट के धागे नीचे, तो यहाँ पर भी अप रख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपका इफेक्ट है कॉर्ड के ऊपर जो प्लेन बनना है, तो वहां पे आपको अपने वार्डिंग एंड डाउन करने हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे प्लेन बन रहा है, ये देखिए ये आपका वन डाउन वन अप, वन अप वन डाउन, वन डाउन वन अप, तो यहाँ पे प्लेन बन रहा है। तो प्लेन बन रहा है तो फिर हम क्या करेंगे कि पिक नंबर 3 और पिक नंबर 4 के लिए वार्डिंग एंड को डाउन कर देंगे। और गाइस एक चीज और है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि फेस एंड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस वाली कॉर्ड के अंदर 6 फेस एंड है, तो जो वार्डिंग एंड आएगा वो आपके 3 फेस एंड के बाद में वार्डिंग एंड को हम प्लेस करते हैं। तो गाइस देखिए 1, 2, 3 और फिर वार्डिंग एंड आ गया, फिर 1, 2, 3, तो इस तरीके से हम बिल्कुल कॉर्ड के बीच में अपने वार्डिंग एंड को प्लेस करते हैं ड्रॉइंग के अंदर। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपका जो वार्डिंग एंड है वो कॉर्ड के बिल्कुल बीच में है। तो गाइस
अब यहाँ पे आप देखिए पिक नंबर 3 पे और 4 पे, तो यहाँ पे हमें प्लेन भी इंसर्ट करनी है। तो देखिए वन डाउन वन अप, वन अप वन डाउन, वन डाउन वन अप, और ये तो वार्डिंग एंड है, तो यहाँ पे क्या था, वन डाउन था, तो ये वन अप वन डाउन, और यहाँ पे देखिए वन अप वन डाउन, और ये देखिए वन अप वन डाउन, तो ये प्लेन हो गई। इसी तरीके से इसको फिल कर देंगे। तो गाइस देखिए मैंने आपको बताया था कि वार्डिंग एंड कैसे चलेगा, तो वो आपका जो वेफ्ट का धागा जहाँ पे लोड कर रहा है वहां पे अप हो जाएगा, तो एक ये अप हो गया, एक ये अप हो गया, और यहाँ पे आपको प्लेन भी भरनी है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे आप वन डाउन वन अप, ये हो गया वन अप वन डाउन, फिर ये हो गया वन डाउन वन अप, और ये तो आपका वार्डिंग एंड है, ये हो गया वन अप वन डाउन, और वन डाउन वन अप वन अप वन डाउन। अब बचते हैं आपके कटिंग एंड, तो कटिंग एंड आपको पता है कि प्लेन भी भरी जाती है इनके अंदर। तो गाइस देखिए ये हो गया आपका पहला वाला कटिंग एंड, वन अप वन डाउन वन अप, और यहाँ पे देखिए इसका उल्टा आपका ये वाला कटिंग एंड चलेगा, तो ये हो गया डाउन अप डाउन अप, और इसका उल्टा नेक्स्ट वाला चलेगा। देखिए गाइस ये हो गया, ये डाउन था तो अप हो गया, ये अप था डाउन हो गया, ये डाउन था अप हो गया, ये अप था ये डाउन हो गया, और इसका उल्टा ये लास्ट वाला आपका कटिंग एंड लिफ्ट करेगा। देखिए ये अप है तो ये डाउन हो गया, ये डाउन है तो अप हो गया, और ये यहाँ पे डाउन है तो ये अप था तो इसलिए डाउन हुआ है, और यहाँ पे ये डाउन था तो ये अप हो गया। तो इस तरीके से आपकी जो प्लेन फेस बॉडी बेडफोर्ड कोड बीम है वो बनके तैयार हो जाती है। गैस अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्राफ्ट। तो गैस देखिए यहाँ पे ड्राफ्ट किस तरीके से बनेगा, बिल्कुल सिंपल चीज है। जैसा मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, यदि आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है प्लेन फेस बेडफोर्ड कोड का, तो आप जरूर देखिए, तो आपको और आसानी हो जाएगी। बट यहाँ पर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो आपके कटिंग एंड है, तो कटिंग एंड के लिए हमने दो हील शाफ्ट रिजर्व किया। तो देखिए गाइस पहला वाला कटिंग एंड यहाँ पर ड्रॉ किया गया एक नंबर में, और इसके बाद में दूसरा वाला कटिंग एंड यहाँ पर दो नंबर में, इसके बाद में फिर तीसरा वाला कटिंग एंड एक नंबर में, इसके बाद चौथा वाला कटिंग एंड फिर दो नंबर में। तो आपके कटिंग एंड ड्रॉ हो गए। इसके बाद में फिर हमने फेस एंड के लिए अलग हील शाफ्ट लिए, और पहली वाली कोड के अंदर देखिए कैसे भरे गए। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वर्किंग है आप रीड कर लेंगे, ये देखिए टू अप वन डाउन वन अप, तो हमने तीसरे में भर दिया। इसके बाद में फिर नेक्स्ट देखिए ये थ्री अप है, मतलब दो नंबर से नहीं मिल रहा, तो हमने इसको चौथे में भर दिया। अब इसके बाद में फिर आप ये देखेंगे तो ये वाला आपका दो नंबर से मिल रहा है, तो हमने इसको फिर से तीन में भर दिया। और यहाँ पे देखिए आप ये आपका छह नंबर है, छह नंबर मैच कर रहा है चार नंबर से, तो जहां पे चार भरा वहीं पे आप छह को भरेंगे। तो गाइस देखिए आप ये आपका चार नंबर हिलशाफ्ट हो गया। तो इसी तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। और ये वाला हम फिलअप करेंगे, देखिए गाइस कैसे करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका 11 नंबर का फेस एंड है, तो देखिए क्या है, वन डाउन थ्री अप है तो हमने पांच नंबर में ले लिया। 12 नंबर वन अप वन डाउन टू अप है तो हमने इसको छह नंबर में ले लिया। अब इसके बाद में ये 13 नंबर आपके 11 नंबर से मैच है, तो जिस फ्रेम में 11 नंबर भरा था उसी में 13 नंबर भरेंगे हम, ये भर दिया। और 15 नंबर देखिए आप वन अप वन डाउन टू अप इसमें आ जाए। तो इस तरीके से आप ये भी हैंड ड्रॉ कर देंगे। मतलब सिंपल सा निकल के आया कि पहली कोड के लिए आप दो हील शाफ्ट यूज करेंगे, हील शाफ्ट नंबर 3 और 4, और दूसरी वाली कोड के लिए आप यूज करेंगे हील शाफ्ट नंबर 5 और 6। और मैंने जैसा बताया था आपको कि जो आपके वार्डिंग एंड होते हैं उनके लिए सेपरेट हील शाफ्ट यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस ये आपका पहला वाला वार्डिंग एंड है, तो ये जो वार्डिंग एंड है वो हमने ड्रॉ कर दिया है हील शाफ्ट नंबर 7 में, और दूसरा वाला वार्डिंग एंड है तो उसको ड्रॉ कर दिया है हमने हील शाफ्ट नंबर 8 में। तो दो हील शाफ्ट इसलिए लिए कि जो आपका वार्डिंग एंड 5 है वो सिमिलर लिफ्ट नहीं कर रहा है आपके वार्डिंग एंड 14 से, तो दो हील शाफ्ट में लिया जाएगा। इस तरीके से आपका ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया। गाइस पैक प्लान देख लीजिए, तो पैक प्लान आपके 4 पिक के लिए बनेगा, क्योंकि आपके डिजाइन में 4 पिक हैं, और हील शाफ्ट कितने आपने यूज किए, 8 हील शाफ्ट यूज किए, तो ये आपके हील शाफ्ट 8 हो गए यहाँ पर। और आप देखेंगे कि जो एक नंबर का हील शाफ्ट है ये, तो देखिए एक नंबर में ये वाला धागा भरा हुआ है एक नंबर और 10 नंबर, तो आप एक नंबर की लिफ्टिंग यहाँ पर कॉपी कर देंगे एक नंबर पे। तो देखिए वन अप वन डाउन वन अप, तो वन अप वन डाउन वन अप। इसके बाद में आप 2 नंबर देखिए, तो 2 नंबर पे आप जब जाएंगे तो देखिए 2 नंबर में धागे भरे हुए हैं आपके, ये है आपका 9 नंबर भरा हुआ है, और फिर 9 नंबर के बाद में फिर आपका 18 नंबर भरा हुआ है।
तो आप 9 नंबर की लिफ्टिंग आप 2 नंबर पर कॉपी कर देंगे यहाँ पे। तो गाइस देखिए, 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप, तो यहाँ पे देखिए 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप। अब आप 3 नंबर देखिए, तो आपको 3 नंबर देखेंगे जब आप, तो 3 नंबर फ्रेम में देखिए कौन सा धागा भरा हुआ है, ये आपका 3 नंबर हो गया। और 3 नंबर में भरा हुआ आपका 2 नंबर, तो आप 2 नंबर की लिफ्टिंग यहाँ पे कॉपी करेंगे 3 नंबर में, तो ये है आपका 2 अप 1 डाउन 1 अप। तो यहाँ देखिए 2 अप 1 डाउन 1 अप। इसके बाद आप 4 नंबर हिल शॉप देखिए, तो 4 नंबर आप यहाँ देखेंगे, तो ये है आपका 4 नंबर। तो 4 नंबर में आप देख सकते हैं कि 3rd नंबर का धागा भरा हुआ है, इसकी लिफ्टिंग है 3 अप 1 डाउन। तो 4 नंबर में ये 3 अप 1 डाउन हो गई। अब इसके बाद में 5 नंबर देखिए आप, तो 5 नंबर यहाँ पर देखेंगे आप, तो 5 नंबर ये है आपका, 5 नंबर में धागा भरा हुआ है आपका ये वाला 11 नंबर। तो 11 नंबर की लिफ्टिंग देखिए आप, 1 डाउन 3 अप, तो 5 नंबर में 1 डाउन 3 अप हो गई। इसके बाद 6 नंबर आप रीड कीजिए, तो 6 नंबर में कौन सा भरा हुआ है आपका, ये देखिए आप, आपका धागा भरा हुआ है ये 12 नंबर। तो यहाँ पे 12 नंबर की लिफ्टिंग देखिए, 1 अप 1 डाउन 2 अप, तो यहाँ पे देख लीजिए 1 अप 1 डाउन 2 अप। इसके बाद में आप 7 नंबर देखिए, तो 7 नंबर आपका हिट शाफ्ट है, ये 7 नंबर ये है, और 7 नंबर में ये वार्निंग एंड भरा हुआ पहला वाला, ये वाला 2 अप 2 डाउन है, तो यहाँ पर 2 अप 2 डाउन हो गया। इसी तरीके से 8 नंबर देखिए, तो 8 नंबर में देखिए आप धागा कौन सा भरा हुआ है आपका, ये वाला वार्डिंग एंड है, एंड नंबर 14। तो एंड नंबर 14 की लिफ्टिंग आप देखेंगे 2 डाउन 2 अप है, तो यहाँ पे 2 डाउन 2 अप भर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो पैक प्लान है वो बनके तैयार हो जाता है। अब गैस मैं आपको इसकी डेंटिंग ऑर्डर बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका डेंटिंग ऑर्डर है किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा जैसा आपका पैटर्न शुरू हो रहा है, एक कटिंग एंड है इस साइड में, तो आप यहीं से शुरू कर देंगे। तो 1 नंबर 2 नंबर आप देख लीजिए यहाँ पर कहाँ भरेंगे, पहले डेंट में, तो इसके बाद में फिर आपके फेस एंड आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि एक फेस एंड के बाद में फिर एक वार्डिंग एंड आ रहा और फिर एक फेस एंड आ रहा, तो आपको 2 फेस एंड के साथ में वार्डिंग एंड को भी एक ही डेंट में ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखिए एक डेंट में ड्रॉ किया, वार्डिंग एंड को कभी भी अलग डेंट में नहीं भरेंगे। तो गाइस यहाँ पर 3 धागे हो गए, इसके बाद में फिर वही सिंपल, 2 यहाँ पे हो गए 2 यहाँ पे हो गए 2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 आ गए क्योंकि यहाँ पे एक वार्डिंग एंड आ गया है। और इसके बाद में यहाँ पे देखिए आप फिर 2 हो गए। तो इस तरीके से आपका जो डेंटिंग ऑर्डर है वो बनके तैयार हो जाता है। तो गाइस अब मैं बताता हूँ आपको 12 फेस वार्डेड बेडफोर्ड कोड बीम। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपकी 12 फेस वार्डेड बेडफोर्ड कोड बीम। तो आप किस तरीके से बनाएंगे 12 फेस वार्डेड बेडफोर्ड कोड बीम, तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जो हमने बीम सेलेक्ट की है अपने कॉर्ड के फेस के लिए, वो 2 अप 1 डाउन की 12 बीम है। और आप यहाँ पे देखेंगे डिजाइन के अंदर, तो आपके जो वार्डिंग एंड है 4 वार्डिंग एंड है, मतलब एक कॉर्ड के फेस के लिए 2 वार्डिंग एंड प्रयोग किए हैं, 2 यहाँ पे हो गए और 2 आपके यहाँ पे हो गए। और जो आपके कटिंग एंड है तो 4 ही रहेंगे, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। और हमने यहाँ पे जो फेस एंड है, तो फेस एंड के लिए जो हमने बीम फिल करेंगे, तो 3 रिपीट लिए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं 1 रिपीट ये है आपकी, 1 रिपीट ये है और आपकी 1 रिपीट ये है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 रिपीट ये है, 1 रिपीट ये है, 1 रिपीट ये है। तो आपके कॉर्ड के फेस पे 3 रिपीट बनेंगी 2 अप 1 डाउन की 12 की। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो आपके वार्डिंग एंड है, तो हमने क्या किया है कि हर 1 रिपीट के बाद में जो 12 बीम की रिपीट है, तो वहाँ पे एक वार्डिंग एंड इंसर्ट किया है। तो गाइस देखिए यहाँ पे आपकी रिपीट खत्म हुई, आपने एक वार्डिंग एंड डाला, फिर यहाँ पे रिपीट खत्म हुई, आपने एक वार्डिंग एंड डाला, यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये रिपीट खत्म हुई तो यहाँ पे एक वार्डिंग एंड, और ये रिपीट खत्म हुई तो यहाँ पे एक वार्डिंग एंड। अब गाइस देखिए ये जो आपकी रिपीट है वो कितने पिक की है, वो है आपकी 6 पिक की, और जो आपके नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट है वो 26 है। और आप देखेंगे कि जो आपके बेल्ट के धागे बॉटम की साइड में फ्लोट करते हैं, तो हम 3 पिक के ऊपर जो पहली वाली कॉर्ड के फेस एंड है उनको अप करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये है आपका, यहाँ पे ये सारे के सारे अप हो गए, और आप यहाँ देख लीजिए यहाँ तक है आपका, और यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे अप हो गए यहाँ तक, और यहाँ पर भी ये सारे के सारे अप हो गए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपकी 2 अप 1 डाउन की 12 बीम है उसको हम फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप 2 अप 1 डाउन, फिर यहाँ पे देखिए आप एक छोड़ दिया यहाँ पे 2 अप 1 डाउन, फिर एक छोड़ दिया यहाँ पे,
एक अप ये, एक अप ये, तो ये टू अप हो गया और ये वन डाउन, तो यहाँ पर भी भर देंगे, इसमें भी भर देंगे और इसमें भी भर देंगे। अब आपको वार्डिंग एंड देखना है, तो वार्डिंग एंड के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका वार्डिंग एंड होता है जहाँ पे वेफ्ट के धागे बॉटम साइड में फ्लोट करते हैं वहां पे वार्डिंग एंड को अप किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वेफ्ट का धागा बॉटम साइड में फ्लोट करेगा तो यहाँ पे वार्डिंग एंड अप कर दिया, यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कर दिया, इसी तरीके से यहाँ पर कर दिया, यहाँ और यहाँ कर दिया। तो अप की जो फर्स्ट कॉर्ड है तो उसकी जो वीव है वो फिल हो गई। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ये हमने एक पिक छोड़ के इसको अप किया है, यहाँ पे सारे एंड अप कर दिए इस कॉर्ड के, यहाँ पर भी अप कर दिए और यहाँ पर भी अप कर दिए सेकंड वाले कॉर्ड के लिए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले वीव भरनी है। कौन सी वीव भरनी है आपको, जो आपने फेस के लिए वीव ली है टू अप वन डाउन। तो देखिए यहाँ पर एक अप ये, एक अप ये, तो यहाँ पर डाउन हो गया, फिर एक छोड़ दिया ये, तो एक और दो, तो दो अप हो गए यहाँ पर, फिर आपने एक ये वाला छोड़ दिया, एक अप ये, एक अप ये, तो दो अप हो गए, एक डाउन हो गया। तो यही वाले भी आप पूरे जो दो बचे हुए रिपीट हैं उनमें फिल कर देंगे। और वार्डिंग एंड तो आपको मैंने बताया ही है कि जहाँ पे आपके जो वेफ्ट के धागे फ्लोट करते हैं नीचे की तरफ, तो वहां पे वार्डिंग एंड को अप किया जाता है। तो यहाँ पे अप कर दिया, यहाँ और यहाँ, इस तरीके से यहाँ, 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 तो आपकी ये जो वीव बनके तैयार हो गई। और आपको पता है कॉर्ड एंड तो आपके प्लान में चलते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए वन अप वन डाउन, वन अप वन डाउन वन अप, तो इसका उल्टा यहाँ पे भरेंगे, फिर इसका उल्टा यहाँ पे भरेंगे, फिर इसका उल्टा यहाँ पे भरेंगे, तो आपकी वीव बन गई। अब आपको ड्राफ्ट देखिए, आप ड्राफ्ट देख सकते हैं, मैंने यहाँ ड्राफ्ट बना के आपको दिखाया हुआ है। हमने जो नंबर ऑफ हिल्स आप लिए हैं तो 10 हिल्स आप लिए हैं, तो इन 10 हिल्स आप में आपके एक नंबर और दो नंबर कटिंग एंड के लिए हैं और आपके 9 नंबर 10 नंबर वार्डिंग एंड के लिए हैं। तो जो आपके हिल्सअप नंबर 3, 4, 5 हैं, इनमें हमने फर्स्ट कॉर्ड के फेस एंड को ड्रॉ किया है, और जो आपके हिल्सअप नंबर 6, 7, 8 है, तो इसके अंदर हमने सेकंड कॉर्ड के फेस एंड को ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं ये आपके एक नंबर दो नंबर है, यहाँ पे देखिए एक कटिंग एंड ये है, 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 और आपके कटिंग एंड हमेशा वन अप डाउन चलते हैं, तो आपके दो हिल शॉप में बन जाता है आपका ये। और 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में देखिए ये एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब जो आपका रिपीट है टू अप वन डाउन का, तो 3 धागे की होगी, तो 3 धागे भर दिए। इसी तरीके से यहाँ भरा जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा, और जो आपका 6, 7, 8 है, तो 6, 7, 8 कौन से धागे हैं, ये है आपके सेकंड कॉर्ड के फेस एंड, तो सेकंड कॉर्ड के फेस एंड यहाँ पे ये भर दिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 1, 2, 3। अब इसके बाद में बचते हैं आपके वार्डिंग एंड, तो वार्डिंग एंड के लिए हमने 9 नंबर 10 नंबर लिया हुआ है, तो वार्डिंग एंड एक यहाँ पे भर दिया 9 नंबर में, दूसरा यहाँ पे भर दिया, क्योंकि ये जो वार्डिंग एंड है इनकी लिफ्टिंग सेम है यहाँ पे। और इसके बाद में इधर वाले जो सेकंड कॉर्ड के वार्डिंग एंड है, तो उनकी लिफ्टिंग अलग है हमारे फर्स्ट कॉर्ड के वार्डिंग एंड से, तो हमने 10 नंबर में ड्रॉ कर दिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इस तरीके से आपका जो ड्राफ्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब ये पैक प्लान है आपका, तो पैक प्लान भी आपका 10 हिल शॉप का बनेगा और 6 पिक के लिए बनेगा। तो देखिए ये 10 हिल शॉप है और 6 आपके पिक हैं, तो इसको बनाने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपको किस तरीके से रीड करना है और आपको यहाँ पे बनाना है, तो आप इजीली बना सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि आपका जो प्लेन फेस वार्डेड बेडफोर्ड कोड भी होता है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है और उसका ड्राफ्ट और पेपलान कैसे बनाते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि जो आपका ट्विल फेस वार्डेड बेडफोर्ड कोड भी होता है तो उसका भी ड्राफ्ट और पेपलान कैसे बनाते हैं। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपने वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।